फरुखाबाद के कोतवाली क्षेत्र कायमगंज में विद्या मंदिर महाविद्यालय की छात्राओं ने परीक्षा की कॉपियों का सही मूल्यांकन न होने से नाराज छात्राओं ने कुलपति कानपुर विश्वविद्यालय के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। छात्राओं का कहना है कि हमारी कॉपी पुनः चेक कराई जाए, क्योंकि जिन शिक्षकों ने मूल्यांकन किया है वह ठीक नहीं है, अतः पुनः मूल्यांकन कराया जाए, नहीं तो हम उग्र आंदोलन करने को विवश होंगे। सर, हम लोगों का रिजल्ट अभी तक दोबारा से नहीं आया। हम लोगों ने तहसील में शिकायत भी की थी, लेकिन उसका कुछ भी नहीं हुआ है। और यूनिवर्सिटी की तरफ से शासनादेश भी जारी हो गया है। हम लोग अपने परिणाम संतुष्ट नहीं है और रिजल्ट दोबारा आना है, इसलिए हम लोग कॉपियाँ दोबारा चेक करवाने। आप लोगों को कॉन्फिडेंस है कि आप पास हैं? हम लोगों को कॉन्फिडेंस है कि हमारी कॉपियाँ सही से चेक नहीं हुई हैं। तो आज ये लेटर किसको दे रहे हैं आप? एसडीएम सर। किसके नाम संबोधित है? कुलपति के। मैट्रिक का जो रिजल्ट आया था, तो कई दिन से इसके लिए मांग कर रहे हैं। क्या मामला है? हमारा बीएससी का रिजल्ट बहुत खराब आया है, उसके लिए हम लोगों ने हर तरह से कोशिश कर ली और सारी मांगे कर ली। कहीं से कोई भी उम्मीद नजर नहीं आ रही, ना यूनिवर्सिटी से कोई फैसले सही आ रहे हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना रख रहे हैं। जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, हम यहाँ से नहीं। आप लोगों की क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं हमारी कॉपियाँ दोबारा चेक हों। दोबारा चेक हों। क्या आपको लग रहा है कि यूनिवर्सिटी ने गलत किया है? कितने मार्क्स आए आपके? किसी में 2 हैं, किसी में 3 हैं। हमें पता है, ऐसा नहीं लिखा था जैसे मार्क। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।